ओके दोस्तों, अब हम एंड ऑपरेटर का यूज करना देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माय टेबल का नाम, एंटर। अब हम वेयर क्लॉज लगाएंगे अपना, वेयर ये हम नेम पे लगाएंगे दोस्तों, नेम इज इक्वल टू वो हम देंगे सीता का, एंटर। और अब हम अपना एंड ऑपरेटर लगाएंगे दोस्तों, एंड, और ये लगाएंगे दोस्तों स्टूडेंट आईडी पे। इक्वल टू टू सेमी कोलन। देखिए दोस्तों, हमने अपना एंड ऑपरेटर लगा दिया है। पहले ही उसमें हमने लिखा है कि नेम में सीता आनी चाहिए और एंड के बाद हमने लिखा है स्टूडेंट आईडी टू होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे दो में स्टूडेंट आईडी में सीता है, तो हमें यही रिजल्ट मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, देखिए आ गया। मतलब कहने का एंड में दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, मतलब राइट होनी चाहिए, तभी एंड ऑपरेटर काम करेगा। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम और ऑपरेटर का यूज करना देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हमने एंड का देखा था, अब यहाँ पे हम इसी को कॉपी करके और ऑपरेटर का यूज करना देखते हैं। चलिए देखते हैं, बस हम यहाँ पे और लगा देंगे, और यहाँ जो आईडी है दो, इसको हम चेंज कर देंगे चार से। तो देखते हैं दोस्तों अब क्या होएगा। देखिए दोस्तों, और ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों में से एक भी सही हो तो ये चल जाता है। सीता वेयर वाला सीता का है, तो देखिए सीता का भी दे दिया, और स्टूडेंट आईडी फोर है तो फोर का भी दे दिया। मतलब ये दोनों रिजल्ट दे देता है। अगर और का मतलब होता है, बस आप इस तरह समझ लीजिए कि दोनों में से एक सही होना चाहिए कोई सा भी, तो ये चल जाएगा और दोनों ही रिजल्ट दे देगा। अगर दोनों ही गलत होंगे तो ये नहीं चलने का है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एंड और का प्रयोग करना देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी क्वेरी लिख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू टेबल। अब अपना वेयर क्लॉज लगाएंगे, वेयर, और ये हम लगाएंगे एड्रेस पर, एड्रेस इज इक्वल टू दिल्ली। अब हम अपना एंड ऑपरेटर लगाएंगे दोस्तों, एंड, और हम लगाएंगे दोस्तों ओपन ब्रैकेट, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन लगाना एंड और का। तो यहां पे हम लिखेंगे दोस्तों स्टूडेंट आईडी, जो कि होनी चाहिए हमारी स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए 8। ठीक है, और हम यहां लगाएंगे दोस्तों और ऑपरेटर। अब अपना और ऑपरेटर लगा देते हैं, और यहां पे नेम ले लेते हैं, नेम
नेम हमारा होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे नेम हम दे देते हैं, और मनोज दे देते हैं दोस्तों यहाँ पे किसी का भी। और सेमी कॉलन लगाएंगे दोस्तों, एक मिनट, सेमी कॉलन से पहले हमें दोस्तों अपना ब्रैकेट बंद करना है और सेमी कॉलन लगाना है। और अब देखते हैं दोस्तों हमारा क्वेरी रन करके क्या देती है। देखिए दोस्तों हमारा आंसर आ गया है। एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, और ऑपरेटर में जो ओपन ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर है दोनों में से एक सही होनी चाहिए। तो यानी कि एंड में देखो वेयर में दिल्ली था, दिल्ली आ गया, और में एट था तो एट आ गया, और जो जबकि हमने मनोज नाम गलत दिया था, यहाँ पे अमित आया है, तो मतलब दो कंडीशन सही होगी, और में एक और एंड में दोनों, ये सही होगी। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया एंड और का। तो इस तरह से देखा दोस्तों आपने, और आई होप आप समझ चुके हैं इसको। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं और ऑपरेटर और एंड का कॉम्बिनेशन। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं ऊपर वाली क्वेरी को, जहां पे हमारा एंड है वहां पे दोस्तों हम और लगा देंगे, और जहां पे और है दोस्तों वहां पे हम एंड कर देंगे। और इस बार हम यहाँ पे नेम सही लेंगे जो कि अमित है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, चलिए इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। देखा दोस्तों इसने अपना सही जो और था, ये जो और है इस केस में ऊपर वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों में से एक सही होनी चाहिए। तो देखो एक सही है दिल्ली, और ये दोनों ही सही है, ठीक है, और एंड में ये हमेशा अंदर ब्रैकेट के अंदर ये दोनों सही होनी चाहिए तभी ये रन करेगा। तो देखो हमारी कंडीशन सारी सही है, तो इसने एट का अमित का भी दे दिया, और जहां पे दिल्ली आ रहा था स्टूडेंट आईडी वन में वहां पे राम का भी दे दिया इसने। तो कहने का मतलब जो डाटा सही है वो दे देगा ये मैच करके, ठीक है दोस्तों। आई होप आप समझ चुके हैं इसको भी।